लाहौर तालीमी बोर्ड में ऑफिसर बनकर सालीन को लूटने वाला शामत की शामत आगे मुबशर हसैन को मुअत्तल कर दिया गया, मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बोर्ड के दो और मुलाजमीन को भी ड्यूटी में गफलत पर मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम खुद को डिप्टी कंट्रोलर बताकर सालीन से पैसे बटोरता था। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस बारे क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड में जो है ये स्कैंडल सामने आया है, जहां का लिफ्ट ऑपरेटर जो है मुबशर हसैन, वो आने वाले सालीन को ऑफिसर बनकर जो है झांसा देकर पैसे लूटता था, और इस मौके पर एक दफा जो है वो पकड़ा गया है और बाकायदा तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया गया। मुबशर हसैन ने एक साहिल को ये झांसा दिया कि वो पेपरों में पास करवा देगा और उससे 24,000 रुपया जो है जायज कैश करवाया। तो अब उस साहिल की जानब से काम ना होने पर वज़ीर तालीम से भी राबता किया गया और बोर्ड हुकाम को भी दरख्वास्त दी, जिसके बाद मुबशर हुसैन को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और इसके साथ साथ जो साहिल है उसने FIR भी दर्ज करवा दी। इसके साथ साथ कल लाहौर तालीमी बोर्ड में दो मजीद मुलाजमीन जो है उनको ड्यूटी से गफलत बरतने पर ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज।